हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय, अगर अपनी बाइक स्पीड में होती है तो उस समय हमें एक्सीडेंटली रोकना है, तुरंत रोकना है, तो इसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में दोस्तों आपको बताने के लिए मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, या और एक वीडियो है कि इस प्रकार अगर ब्रेक मारते तो जिंदगी में अभी आप कभी नहीं गिरोगे, इस प्रकार का मेरा और एक वीडियो वो भी आप देख सकते हैं ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर। तो फिर से मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, अगर आप स्पीड में है, आपको तुरंत रुकना है, तो उस समय आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, थोड़ा बहुत जानकारी फिर से देना चाहता हूँ। दोस्तों, आपके बाइक में तीन ब्रेक होता है, एक रियल ब्रेक होता है यानी पीछे बाजू जो पैर से हम लोग मारते हैं, फ्रंट वियर होता है आगे के व्हील के लिए जो राइट हैंड में होता है, और होता है इंजन ब्रेक भी होता है, ऐसे तीन प्रकार के ब्रेक। तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया उसमें भी बता दिया, सबसे ज्यादा जो पावर होता है जो आगे का जो ब्रेक होता है उसमें होता है, उसमें कम से कम 80-90% ज्यादा पावर होता है, उससे हम लोग तुरंत रुक सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बताने के लिए मुझे थोड़ा सा बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अकेले अगर आप राइट बाजू का जो हैंड का जो ब्रेक मारते उसमें जो 80-90% पावर होता है वो सिर्फ मारेंगे, लेकिन उस समय थोड़ा भी तिरछा होएगा तो आप गिरने का चांसेस ज्यादा होता है, राइट या लेफ्ट बाजू में गिर सकते हैं, भले भते एक्सीडेंट भी हो सकता है। ज्यादा करके पीछे का जो रियल व्हील का जो ब्रेक होता है, पीछे के व्हील का, उसमें ज्यादा इतना पावर नहीं रहता वो मारने से आप, लेकिन थोड़ा जल्दी रुकेगी नहीं, थोड़ी बाइक आगे जाएगी, लेकिन आगे का ब्रेक मारते तो बाइक थोड़ा सा जल्दी रुकेगी। लेकिन अगर तीनों ब्रेक जो इंजन ब्रेक भी होता है, इंजन ब्रेक का मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपका गियर होता है कि अपना क्लच होता है, क्लच तो क्लच को छोड़ देना है, ज्यादा करके थ्रोटल को बंद करना है, और उस समय हम दूसरा भी ब्रेक मारना है, तो उस समय क्या जो क्लच छोड़ा तो गियर में गाड़ी है लेकिन क्लच छोड़ा, इसके लिए इंजन में कैसे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, यानी ब्रेकिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली इंजन कर जाता है, तो इस समय आपकी बाइक तुरंत रुक सकते है तीनों ब्रेक एक साथ मारे तो। लेकिन इस पे कैसे आपका जो हैंडल है वो सीधा होना चाहिए ज्यादा करके, क्योंकि एक्सीडेंटली हम लोगों को तुरंत वहां पर रुकना है, इसके लिए जो हैंडल है वो सीधा होना है, थोड़ा भी यहाँ हुआ थोड़ा सा होएगा तो गिरने का चांसेस ज्यादा है, और जो दोनों पैर है वो तुरंत हमारे जमीन के ऊपर आने चाहिए ज्यादा करके, यानी इस हिसाब से हम लोग एक्सीडेंटली अगर ब्रेक को अगर हम लोगों को रुकना है, यानी स्पीड में बाइक है तुरंत रुकना है, कुछ तो आगे कुछ तो कारण के वजह से हमें रुकना है, तो उस समय इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हैंडल है उसे सीधा रखना है, तिरछा वगैरह नहीं करना है, नहीं तो बैलेंस जा जाएगा तुरंत रुकने के वजह से, क्योंकि तुरंत रुकेगा तो थोड़ा बाइक हमारा जो एक्सीलरेशन का रूल के अनुसार हम लोग थोड़ा आगे झुकेगा वगैरह, तो सीधा पकड़े टाइट पे बिना डरे हैंडल सीधा रखना है, तीनों भी ब्रेक मारे तुरंत आप रुक सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं कर रहे मेरे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।